अहमद मुर्तजा अब्बासी गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाला, जो फिलहाल तो पुलिस के कब्जे में रिमांड पर है और पुलिस उससे लगातार हमले से जुड़े राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। इस पूछताछ में मुर्तजा ने एक ऐसी कहानी बताई है जिससे मामला हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ लग रहा है। पुलिस ने गोरखपुर में सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले में मुर्तजा के जरिए बताई गई जानकारी पर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक एक लड़की ने अपनी फोटो भेजकर भारत आकर मिलने का मुर्तजा से वादा किया था। इतना ही नहीं, मुर्तजा ने मदद के लिए 40,000 रुपए भी उस लड़की को भेजे थे। इसके बाद ईमेल के जरिए ही बातचीत शुरू हो गई। अब्बासी ISIS में शामिल होने की तैयारी करने लगा था। उसकी ISIS के लोगों से बातचीत भी शुरू हो गई थी। अब्बासी ने उस लड़की के अकाउंट में 3 बार रुपए ट्रांसफर किए थे। UPATS की पूछताछ में अहमद मुर्तजा अब्बासी के बेहद खतरनाक मंसूबे सामने आ रहे हैं। वो ISIS से सीधे संपर्क में पहुंचने के लिए बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। वो और लड़कों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगा था। मुर्तजा ने तो पूछताछ में CANRC का भी जिक्र किया। पुलिस पूछताछ में मुर्तजा ने बताया कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, CANRC भी गलत हो रहा है, बस इसी गुस्से में कर दिया। मुर्तजा जिस तरह से चीजों को पुलिस के सामने आधे अधूरे लफ्जों में बयां कर रहा है, उससे पुलिस को उससे जुड़ी किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग लग रही है। तभी तो मुर्तजा कह रहा था, टेम्पो पर चढ़े, हमने कहा गोरखनाथ मंदिर पर ही उतार देना, पुलिस है वहां उसी पर हमला कर देंगे, कुछ फिर चले जाएंगे, काम तमाम हो जाएगा मेरा। मुर्तजा के इस कबूलनामे से लग रहा है जैसे मुर्तजा को कुछ इस तरह से रेडिकलाइज किया गया है कि वो मरने की तैयारी के साथ आया था। उससे पहले पूछताछ में मुर्तजा ने घर से निकलने से लेकर नेपाल जाने, चाकू खरीदने, फिर सिद्धार्थनगर पहुंचकर फिर गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर तक पहुंचने की पूरी कहानी बयां की थी। मुर्तजा के पिता के मुताबिक वो मानसिक रोगी है। इस मानसिक रोगी के इरादे काफी खतरनाक थे। पुलिस की 3 दिन की पूछताछ में ये तो ज्ञात हो चुका है। फिलहाल अभी भी मुर्तजा से पूछताछ जारी है। पुलिस इस मामले की परत दर परत खोल देना चाहती है, हर एंगल को बारीकी से जांच रही है। सोचिए, जिस मुर्तजा के मंसूबे इतने खतरनाक थे, उसके पिता के दिए बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसे सच मान बैठे थे। उनसे जब इस बारे में सवाल किया गया तो वो भी मुर्तजा को मानसिक रोगी बता रहे थे। सुनिए क्या कहा था अखिलेश यादव ने। अभी जो जानकारी आ रही है और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है। ठीक है, अखिलेश इस चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन यूपी की ही तो राजनीति करते हैं अखिलेश यादव, यूपी का ही तो हिस्सा है। गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले को लेकर इतने संवेदनहीन बयान कैसे दे सकते हैं अखिलेश यादव। आपको बता दें, रविवार देर रात IIT स्नातक मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में एंट्री करने की कोशिश की थी। जब सुरक्षा कर्मियों ने इसे रोकने की कोशिश की तो उसने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिससे PSC के 2 कांस्टेबल जवान घायल हो गए थे। जांचकर्ताओं को शक है कि मुर्तजा अब्बासी कट्टरपंथी है। अहमद मुर्तजा अब्बासी का गोरखपुर मंदिर पर हमला करते एक वीडियो भी वायरल हुआ था। फिलहाल इस वीडियो की भी जांच जारी है। वैसे मुर्तजा की तरफ से किए जा रहे खुलासों पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।